बहुत परेशान उस समय घर में खाने का दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जानते सब कुछ फिर भी पूछते हो और कोई परेशानी है? बहुत परेशानी इस समय। बोलो भी बोलो, क्या करूं? कहीं काम धंधा नहीं चल रहा है, पैसे के लिए बहुत परेशान। अच्छा, बस पैसे से परेशान? क्यों नहीं, काफी परेशान लग रहे हैं। राम सिंह? हाँ मुनीम जी। देखे हमारे ठाकुर साहब के वहाँ तुमने 500 रुपए लाए थे। हाँ लाए थे, 500 रुपए लाए थे। हाँ 500 रुपए का ब्याज 5000 रुपए हो गया। क्या? हाँ हमने तो सिर्फ 500 रुपए लाए थे और 5000 आप बता रहे हैं। आप मुनीम जी सरी सर झूठ बोल रहे हैं। नया ब्याज दर है बा, इतना ब्याज हो गया? कितने दिन हो गए? देखिए रामचंद्र, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो हमारे खातों का आपका पैसा जमा कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लीजिए, एटीएम फड़वा दीजिए। देखिए मुनीम जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं 500 रुपए आपके यहाँ से जरूर लाए थे। हाँ। अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार हुई थी। हाँ? हमने सोचा था कि फसल तैयार करके उसे बेच करके ठाकुर साहब का सारा कर्जा चुका दूंगा, लेकिन ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और न जाने किस तरह से खलिहान में आग लग गई और सारी फसल जलकर राख हो गई। मुनीम जी मुझे ठाकुर साहब से कह करके 6 महीने की मोहलत और दिला दीजिए। 6 महीने की मोहलत तुम्हें मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? देखिए इसे अंकल लगा दो और 6 महीने की मोहलत मिलेगी। क्या अंगूठा लगाने से 6 महीने की मोहलत मिल जाएगी? हाँ हाँ मिल जाएगी। लेकिन मुनीम जी, हाँ तुम और तुम्हारे ठाकुर साहब ने इस चंद्रनगर बस्ती के जितने किसानों के अंगूठे लगवाए हैं, उनके बीबी बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, क्या उसी तरह हमको बनाने आए हो? मैं जीते जी इस सादे स्टाम्प पर अंगूठा नहीं लगा सकता। अरे मैं समझा रहा हूँ, मान जाओ कहा लगा दीजिए। मैं जीतते जी अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता। अंगूठा मत लगाना वरना हमारे बच्चों को क्या होगा? नहीं प्रिय,
मैं जीते जी अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब ये कहता मैं अंकन नहीं लगाऊंगा। राम सिंह अंगूठा लगा दो, ज्यादा अच्छा होगा। ठाकुर साहब मैं जो कह दिया सो कह दिया, मैं इस सादे कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अंगूठा लगा करके अपने बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहता। अंगूठा नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। राम सिंह क्या आखिरी कब हट रहा? तो मुझे वापस कर देना।